हेलो गाइस, क्या हाल है आपके? ओ भाई, कैसा है? तो दोस्तों, इसका नाम कालू है। ये बहुत ही सैड सैड सा रहता है, फुर्तीला बहुत है, ध्यान बहुत रखता है। इस पार्क का जो अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ 360 डिग्री में, ये जो पार्क देख रहे हैं पीछे बैक साइड में पानी भरा हुआ है, काफी बढ़िया पार्क है। सूखा जब होता है तो काफी बंदे खेलते हैं यहाँ पे। हमारे मेरे घर से कम से कम 100-200 मीटर दूर ही है बस ये पार्क, और काफी बढ़िया पार्क है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका नजारा। शाम हो रही थी तो मैं सोचा थोड़ा घूम लेता हूँ, और बहुत अच्छा मौसम हो रहा है तो बारिश भी आ रखती है, थोड़ा ठंडा ठंडा सा मौसम है, काफी अच्छा लग रहा है। हवा भी चल रही थोड़ी ठंडी ठंडी, गर्मी के मौसम में काफी ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो सही लग रहा है। हवा आपसे पत्ते पत्ते हिल नहीं रहे, लेकिन थोड़ी बहुत हवा है, नमी है पार्क पानी में, हवा में थोड़ी नमी है, हवा में काफी अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा। गर्मी के मुकाबले, कल के मुकाबले काफी बढ़िया मौसम है। तो गाइज, ये पार्क जो है काफी बढ़िया पार्क है रनिंग और वॉकिंग करने के लिए। अक्सर लोग इस पार्क में वॉकिंग और रनिंग करने के लिए आते हैं। आज अच्छा मौसम बारिश की वजह से हो गया है, और बारिश में कभी ठंडी ठंडी हवा है। तो गाइस, यहाँ से नीचे उतरना काफ़ी रिस्की है, क्योंकि ये जब अभी मिट्टी है, पोली है, यहाँ पे कोई नीचे जाने के लिए कोई सीढ़ी नहीं है, हमको ऐसे कच्चे रास्ते से जाना पड़ेगा। और ये जो घासों का रास्ता है थोड़ा सेफ है, लेकिन घास जो होती है थोड़ी स्लिपरी होती है, जिससे गिरने का चांस बढ़ जाता है। गाइस, यहाँ पे अभी तक एक भी ऐसा जानवर नहीं देखा गया है, जैसे बंदर या सांप, जिससे कि आम लोगों को प्रॉब्लम हो। भाई, जब जो ग्राउंड देख रहे हैं, ये काफ़ी पहले धूल मिट्टी से भरा रहता था, तो अभी जैसे बारिश आई है 1-2 महीने से इसमें पानी भर गया है, ये देखिए आप। तो एक्चुअली गाइस, ये एक प्लेग्राउंड हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पे घास हो गई है, घास उग गई है। छुट्टी वाले दिन यहाँ पे बच्चे काफ़ी खेला करते थे। और ये जो आप ग्राउंड देख रहे हैं गाइस, ये कभी कभार ड्राइविंग लर्निंग के लिए काम आता है, जैसे कि किसी को गाड़ी सीखनी हो या कुछ बाइक चलानी हो, जिसको भी सीखना है, नया नया जो बिगनर है उसको चलाने के लिए, गाड़ी सीखने के लिए, बाइक सीखने के लिए लोग अक्सर यहाँ पे आते हैं। और गाइस, ये कभी कभार तो यहाँ पे मेला भी लगता है, जैसे कि कभी दशहरे का मेला लगता है, और गाइस कभी कभार यहाँ पे सर्कस भी लगता है। गाइस, ये जो पीछे देख रहे हैं, ये एक तरह का जब चलान हो जाता है गाड़ी का, तो यहाँ पे आके खड़ी हो जाती है गाड़ी, और साथ में इसके थोड़ी दूर से पुलिस स्टेशन है। और गाइस, इससे हम काफी मच्छर खा रहे हैं, मैं आपको, ये मेरे पैर में काफी मच्छर खा रहे हैं। तो गाइस, मुझे भी मच्छर खा रहे हैं काफी, यहाँ पे मच्छर भी है क्योंकि पानी जमा है यहाँ पे, इसलिए मच्छर भी काफी है। और यहाँ पे हर तरह की आपको गाड़ी दिख जाएगी। तो गाइस, यहाँ पे बैटरी रिक्शा खड़े हैं और टेम्पो खड़ा हुआ है, ये देखिए। गाइस, यहाँ पे देखो छोटा हाथी जिसको बोलते हैं, और एक ग्रामीण सेवा से लेके ट्रक है, और एक बैटरी रिक्शा तो काफी सारे खड़े हुए हैं, और यहाँ पे वैन है, टूरिंग वैन है, और यहाँ पे देखिए आप ट्रक भी है, काफी छोटे टेम्पो भी है, ट्रक भी है, और ये जो बस खड़ी हुई है ये भी है, मेट्रो बस जिसे कहते हैं, और ये बस में जो आग लगी थी वो भी खड़ी हुई है। काफी मतलब यहाँ पे जो भी मतलब व्हीकल से रिलेटेड कुछ भी, जैसे डैमेज वैमेज हो गया या कुछ भी जिसका पेपर वेपर पूरे नहीं है, तो वो यहाँ आके खड़ी जाती है। तो गाइस, अभी अंधेरा होने वाला है और मुझे घर जाना है, तो गाइस अभी घर चलते हैं, काफी अंधेरा हो रहा है, मच्छर भी काफी हो रहे हैं। बाकी आसमान थोड़ा रेड रेड सा, लाल लाल सा बड़ा अच्छा लग रहा है आसमान को देखते हुए। मैं शायद आपको कैमरे में ढंग से नहीं नजर आएगा, लेकिन रियल व्यू में काफी बढ़िया नजारा है इसका। गाइस, आपको एक चीज दिखानी थी, यहाँ पे चिड़िया है काफी, और काफी चहचहाट की आवाज आ रही है चिड़ियों की। नॉर्मली चिड़ियों की आवाज आजकल शहरों से जाती जा रही है, लेकिन जब मैं यहाँ पे आया हूँ पार्क में, मुझे काफी बहुत दिनों बाद चिड़ियों की आवाज नजर आई है। तो गाइस, जैसे कि आप पीछे पूरा अंधेरा हो रखा है, और मैं स्ट्रीट लाइट के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ, ताकि मेरी रोशनी पूरा फेस जो आ रहा है। तो गाइस, मैं नेक्स्ट वीडियो आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।